आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सादलपुर थाना अंतर्गत चोरों के हौसले आए दिन हो रहे बुलंद। सादलपुर के समीप ग्राम इकलारा में खेत में काम कर रही बुजुर्ग महिला के पाव से नहीं निकले चांदी के कड़े, तो वृद्धा की हत्या कर पाव ही काट चांदी के कड़े ले गए दरिंदे। धार सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम इकलारा में दिनदहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या कर अज्ञात बदमाश चांदी के आभूषण लूट कर फरार हो गए। महिला घर पर नहीं लौटी तो परिवार के लोग तलाशते हुए खेत पर पहुंचे, जहां पर महिला की पैर कटी लाश देखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित सादलपुर थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और एफएसएल की टीम ने मौके पर पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया। पुलिस टीम ने हमला करने वाले बदमाश की सर्चिंग के लिए क्षेत्र में तलाश शुरू कर दी। टीआई ने बताया कि महिला के एक पैर कटी हुई अवस्था में मिला तथा दूसरे पैर और सिर पर अज्ञात हथियार से हमला कर उसे चोट पहुंचाई। जानकारी के अनुसार ग्राम इकलारा की रहने वाली रतनबाई पति तोलाराम उम्र 70 साल महिला खेत पर काम के लिए दोपहर में के समय गई थी। महिला को तलाशते हुए खेत पर पहुंचे तो महिला के पैर कटी हुई अवस्था में वो मिली, साथ ही महिला ने पहने हुए चांदी के आभूषण भी गायब मिले। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस बल ने क्षेत्र में बदमाशों की तलाश शुरू की। पंचनामा के बाद शव को धार जिला अस्पताल भेजा। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंची। अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। एसपी श्री सिंह ने बताया सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मामले की जांच जारी है, जल्दी बदमाशों को पकड़ा जाएगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बदनावर से बंटी सिंह चौहान के साथ रोशन रिंगनोदिया की रिपोर्ट। थाना सादलपुर में ग्राम इकलवारा में एक घटना हुई है, जिसमें अभी पुलिस मामले को पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेट कर रही है। सभी अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, क्या लगता है सर कि ये लूट का मामला है या फिर कुछ और? देखिए, अभी प्राइमा फेसी जो फैक्ट्स आए हैं उस आधार पे अभी मामला पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो लूट के और अन्य जो फैक्ट्स आए हैं उसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और आरोपियों को जल्दी ही राउंड अप किया जाएगा।